हेलो एवरीवन, वेलकम टू सालने ब्यूटी लाइफ स्टाइल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी कृपा से आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें और मुझे भी सपोर्ट करते रहें फ्रेंड्स, ताकि मैं भी खुश रहें। तो थंबनेल और टाइटल देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आपसे और किस टॉपिक का आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से अपडेट कर दे रही हूँ कि मैं आज का वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फेस को गोरा एंड बेदाग कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना फेस को गोरा एंड बनाना चाहते हैं तो आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। वीडियो को लास्ट तक मैं आपको कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। अगर आप वीडियो को आधे अधूरे देख के वीडियो स्किप करिएगा या फिर आधे अधूरे देखिएगा तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा और फिर आप अपने फेस पे कोई भी फेस पैक, किसी भी तरह का फेस पैक अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, तो आपका कोई भी फेस पर प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे फेस पे रेडनेस निकलना, पिंपल्स निकलना, रेडनेस हो जाना, इचिंग यानी कि खुजली वगैरह, ये सब फेस का प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। इसमें मैं आपको सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से ही फेस पैक बना करके दिखाऊंगी जो कि नेचुरल है और आपका घर में बहुत ही ईजी से ये मिल जाएगा और आपको कोई भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये नेचुरल है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको फेस के लिए सूटेबल है या नहीं। तो फर्स्ट में फ्रेंड्स, टोमेटो आप देख सकते हैं, टोमेटो देखिए यानी कि टमाटर, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये हमारे फेस के ब्यूटी को सुंदर निखारने में, सुंदर मतलब जो सुंदर होता है हमारे फेस को, उसको निखारने में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करता है। जितना हमारे ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है उससे कहीं ज़्यादा हमारे फेस को मतलब सुंदर बनाने में, गोरा बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें यूज तो करते हैं पर उन्हें अच्छे से यूज करने का तरीका मालूम नहीं होता है, इस वजह से उन्हें उतना अच्छा लाभ नहीं हो पाता है। सेकेंड जो फ्रेंड्स वो है टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, ये कस्तूरी का हल्दी है और आप अपने फेस पे जब भी कोई भी फेस पैक में हल्दी यूज करते हैं तो आप कस्तूरी का ही हल्दी लें, ये आपको ऑनलाइन बहुत ही ईजी से मिल जाएगा। और आप अपने किचन में जो हल्दी यूज करते हैं खाना वगैरह में, दाल सब्जी में, तो वो अपने फेस पे बिल्कुल मत यूज करें, वो आपके फेस के लिए सूटेबल नहीं होता है। आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं हल्दी का फेस पैक तो आप कस्तूरी का ही हल्दी लें। तो चलिए अब मैं आपको इन दोनों को फेस पैक बना करके और अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी किसे किस तरह बनाया जाता है और कैसे फेस पे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो टोमेटो था उसे आपको पहले कट कर लेना है, जो मेरा टमाटर था उसे मैं आधे भाग में कट कर लिए हैं और मैं आपको इसे यूज करने के लिए बताएंगे। तो इसका बस सिर्फ आपको फेस पे टर्मरिक पाउडर में डीप करके मसाज करना है। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ इसे, देखिए इस तरह से आपको टोमेटो है जो है उसे इस तरह से टर्मरिक पाउडर में डीप करना है। देखिए इसमें मेरा पाउडर आ गया है, इस तरह से डीप करके अपने फेस पे मसाज करना है। तो मैं आपको मसाज करके दिखा रही हूँ, जिस तरह से मैं मसाज करती हूँ उसी तरह से आपको भी मसाज करनी है। तो देखिए इस तरह से आपको मसाज करनी है, जो मेरे टोमेटो है इसको इस तरह से आपको पकड़ के आप अपने फेस पे अप्लाई करें। इस तरह से आपको हल्के हाथ से अपने फेस पे मसाज करने हैं। मसाज आपको लगभग 4 से 5 मिनट तक आपको फेस पे मसाज करनी है। अगर आप कंटिन्यू इस फेस पे को अप्लाई करिएगा, इस तरह से आप अपने फेस पे मसाज करिएगा तो आपका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा गोरा एंड बेदाग हो जाएगा फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा आपके फेस पे एक अच्छी सी गोल्डन ग्लो आएगी। यकीन मानिए ये सिर्फ सुनने से नहीं होता है फ्रेंड्स, ये करने से होगा। आप अपने फेस पे अप्लाई करके देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके फेस के लिए कितना ही ज़्यादा बेस्ट रहा। लेकिन आपको ये टर्मरिक सूट करना चाहिए, किसी किसी लोग को होता है कि इनको ये टर्मरिक पाउडर सूट नहीं करता है, लेकिन अगर जिन्हें सूट करता हो उनका वो फेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। हमारे फेस पे टर्मरिक पाउडर है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे फेस के लिए बेस्ट हो क्योंकि हमारे फेस पे ये सूट करता है और मैं खुद अपने फेस पे ये इसे अप्लाई करती हूँ, इसीलिए आपको भी बता रही हूँ ताकि आप भी इसे इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें।
देखिए इस तरह से मसाज करना है। तो अब मेरा 4 से 5 मिनट के लिए हो गया है, आपको भी इसी तरह 4-5 मिनट के लिए करना है अच्छे से। आपको थोड़ा सा इसे इस तरह से करिएगा ताकि इसका जूस निकल जाए और आपका फेस भी ये अच्छे से मसाज हो जाए। तो इस तरह से आप मसाज करिएगा और इसे आप 4 से 5 मिनट के लिए फिर आपको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है ताकि आपके फेस पे ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और इस तरह से आप करिएगा सर्कुलर मोशन में, तो आपका जो भी फेस में डस्ट वगैरह जमे हैं, फेस में डस्ट वगैरह जो जम जाता है वो आपका रिमूव होगा और आपका फेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड गोरा दिखेगा। कंटिन्यू आप इस फेस पैक को अप्लाई करिए और आपका फेस जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बेदाग होगा, आपका फेस पैक अच्छी सी चमक आएगी। देखिए अब मेरा फेस पे अच्छे से अप्लाई हो गया, हम अपने फेस पे मसाज कर लिए हैं। आप चाहें तो आप अपने नेक के पास भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मसाज करना है। आप इसे आप ड्राई होने के लिए छोड़ दें और जब आपका फेस पे अच्छे से ड्राई हो जाता है तो आप इसे सिर्फ नॉर्मल वाटर से यानी कि ठंडे पानी से आप अपने फेस के धो लें। और फेस धोते समय आप कोई भी सोप या फेस वाश यूज ना करें, आपको आधे घंटे के बाद ही सोप और फेस वाश यूज करना है। तो चलिए मैं आपसे फेस धो के 5 से 6 मिनट के बाद फिर मिलती हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लिए हैं और आपको एक ही बार में कुछ न कुछ तो फर्क दिख ही रहा होगा, लेकिन आपको एक बार में उतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, ये सिर्फ कहने के लिए है। बहुत सारे लोग वीडियो में बोलते हैं कि एक ही बार में आपका रातों रात चेहरा इतना गोरा हो जाएगा, एक ही बार में इतना गोरा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंटिन्यू यूज करना होगा, उसके बाद ही आपका फेस का जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिमूव होगा और आपके फेस पे एक अद्भुत सी निखार आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।